वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह तथा अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं शिक्षा चिकित्सा अमित मोहन प्रसाद ने स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। गोरखपुर के NIC सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में AD हेल्थ डॉक्टर JP पांडे, CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे, जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर हबचंद श्रीवास्तव सहित संबंधित विभागों के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य चिकित्सा अमित मोहन प्रसाद ने सभी CSC एवं PSC पर डॉक्टरों की उपलब्धता, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिलाने, आयुष्मान कार्ड का कैंप लगाकर वितरित किए जाने सहित स्वास्थ्य संबंधी सभी सुविधाओं को जनता तक पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं को संचालित किया जा रहा है, जिसका लाभ प्रत्येक नागरिक को मिलना चाहिए। सभी अधिकारी इसके लिए आपसी समन्वय बनाकर योजना को लागू करें, जिससे जनता को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना उठानी पड़े। PSC हो, CSC हो, जिला अस्पताल हो, या हमारे जो 50 बेड या 100 बेड हॉस्पिटल होते हैं, डॉक्टर होता है, अगर उसको आप अटैच कर लेंगे तो ये लोग अस्पतालों में जा रहे हैं और वहाँ OPD या IPD जैसी भी स्थिति है वो हो रहा है। इसमें जो CMO है या जो CMS है उनकी लीडरशिप बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसके साथ ही साथ ही जन आरोग्य अभियान अथवा योजना के अंतर्गत सभी को स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा और उन्हें लोक भवन से आयुष्मान कार्ड का वितरण करके करेंगे। माननीय मंत्री जी भी वहाँ होंगे, हमारे राज्य मंत्री जी भी होंगे और किया है CEO चीज को कि इसका लाइव वेबकास्ट होगा और सूचना विभाग को भी मैंने बता दिया है कि इसके धनराशि तो आपको धनराशि भी उपलब्ध करवाई जा रही है। इसमें करना यह है कि जो ब्लॉक लेवल की आपकी CHC है वहां पर आप एक कार्यक्रम आयोजित करेंगे जिसमें मुख्यालय के लोग होंगे उनको अंत्योदय कार्ड धारकों को किया जाएगा। इस संबंध में जो कार्ड बनने हैं छपने हैं वो तैयारी वगैरह हो जाए तो जहाँ तक मेरी जानकारी है 60-70 हज़ार से ज्यादा कार्ड अप्रूव हो चुके हैं। सिस्टम से जो बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होता है उससे अप्रूव हो चुके हैं। नहीं लोग बनवा रहे हैं, ब्लॉक में आपका एक कार्यक्रम होगा और उसका आप उसकी प्रतिज्ञा भी देंगे।